मध्वाचार्य। भक्तिविनोद ठाकुर को पूछा गया कि हमारा मध्वाचार्य गौड़ी संप्रदाय का श्री संप्रदाय से क्या नजिश्ता है, क्या संबंध है। भक्तिविनोद ठाकुर का स्टेटमेंट है, उसने कहा कि श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य हमारे गौड़ीय संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्या? बोले हमारे गौड़ीय मध्व संप्रदाय का आधार है श्री संप्रदाय। क्यों? क्योंकि उसने जमीन लिया है, बिल्डिंग हमने बनाया है रस का तत्व का, लेकिन पूरे भारत में जो शंकर मत फैला था ना अद्वैतवाद, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक यात्रा करके इस सन्यासी ने चारों ओर वैष्णविज्म वैष्णववाद रामानुजाचार्य ने फैला। तो जैसे कोई जैसे बेसमेंट होता है ना आधार, उसके ऊपर कुछ बनता है। हम लोग ये सब सुनते नहीं ना, इसलिए दूसरे संप्रदाय को हीन कहते रहते हैं और अपने को बड़ा और इसका इधर उधर करते रहते हैं। जितना अपने संप्रदाय का ज्ञान है ना, उतना ही अन्य आचार्यों का आदर रिस्पेक्ट संप्रदाय का भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो अपने को महान मानते मानते दूसरे का अपराध करने में हम लोग नीचे जाएंगे, पतन हो जाएंगे। और ये हम लोग का वहम है, ये सत्य है। हम अपने आप को इतना मान चुके दूसरे सब तो यही लग रहे हैं, लेकिन हमारे चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए चारों संप्रदाय, और इसकी कथा नवदीप महात्म्य में पढ़ते कि महाप्रभु चारों आचार्य को मिल चुके। और रही बात माधवाचार्य की, जो आज तिरोभाव है उनका, उनको भी अब देखो ब्रह्मा ब्रह्म संप्रदाय है ना हमारा। कई बार लोग पूछते हैं गीता में प्रभुपाद जी ने भूमिका के बाद ही हमारी संप्रदाय की लिस्ट दी हुई, और भजन भी है बंगला गीत में। ब्रह्मा जी फिर किसका नाम आता है? नारद, व्यास, फिर शुकदेव, ये भागवत परंपरा गई। भगवत गीता की क्षत्रिय परंपरा अर्जुन वाली है, हिमा विवस्वते क्षत्रिय वाली, ये ऋषियों वाली है। मातृ कहाँ है इसमें कोई पूछते है तो वहां पर देखिए व्यास के बाद सीधे माध्वाचार्य। तो प्रश्न होगा ना कि व्यास तो द्वापर में हुए, माध्वाचार्य हुए 800-900 वर्ष पहले, 1160 अश्विन विजयादशमी को माध्वाचार्य का जन्म हुआ था, आज तिरो बाद। लेकिन माध्वाचार्य हुए 900 वर्ष हो गए, महाप्रभु ने माध्व संप्रदाय को एक्सेप्ट किया गौड़ धारा के लिए 500 वर्ष पूर्व, लेकिन माध्व उसके पहले हुए आचार्य के रूप में। तो हमें कोई पूछे कि माध्वाचार्य कैसे आ गए ब्रह्मा व्यास के बाद, इसलिए माध्व चरित्र सुनेंगे तब उत्तर मिलेगा कि माध्वाचार्य 11 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर जब बद्री नारायण हिमालय में गए उडुपी से कर्नाटक से, तो वहां भगवान वेदव्यास का जो आश्रित वेदव्यास वही तप करते वही जब करते, सुखदेव को वही प्रकट किया, भागवत वही प्रकट किया, और वे वेदव्यास वायु अवतार माध्वाचार्य को प्रकट होकर दर्शन दिए और दीक्षा दिए और साथ साथ में वेदों का ज्ञान दिए और कहा कि इसका भाष्य लिख के आगे संप्रदाय को बढ़ाओ। इसलिए व्यास के बाद सीधे माधव, सीधा 4500 वर्ष का जंप लग गया। द्वापर 5000 वर्ष हुए कृष्ण अवतार, व्यास प्रकट, माधव हुए 900 वर्ष, तो ये 4000 वर्ष बीच में कोई आचार्य नहीं है, डायरेक्ट व्यास तो माधव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। और क्या फिलोसॉफी है माधव की? द्वैतवाद। और रामानुज कल की विशिष्टाद्वैत, अब अद्वैत को खंडन करने के द्वैत विशिष्टाद्वैत, द्वैत मतलब दो, लेकिन द्वैत का भी माधवा ने 10 विभाग कर दिया। द्वैत में भी जीव ब्रह्म में द्वैत है, लेकिन जीव जीव द्वैत, जीव प्रकृति द्वैत, काल को सबके साथ अलग अलग दिखा दिए, ब्रह्म ब्रह्म में भी भेद बता दिए। और भेद है, जीव हम सब जीव है, लेकिन जीव में कुछ सुपीरियर जीव है, कुछ बद्ध है, बद्ध में भी कुछ कम बद्ध है, कुछ पूरे बद्ध है, कुछ विश्व अंतर है ना, बहुत डीप में ये सिद्धांतिक बात हमारे आचार्य ने की। लेकिन आप सब मायापुर वासी हो, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं, गंगा में नहाओ, प्रसाद खाओ, कीर्तन गाओ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हाँ, कोई बच्चे को सिखाया जाए कि धंधा करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, तब 2000 का 2 लाख का बंडल महीने मिलेगा। अब इतना सीखा है, मेहनत करो, कोई सीधा 2000 का बंडल दे दे, कौन सा अच्छा? आप लोगों को महाप्रभु की
सीधा मिला हुआ है, बोलो तेरा प्रेम धनी, झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात निकल गई है तो मैं बता रहा हूं, माधवाचार्य जो तिरुबाविश ने उसको याद भी हम कर रहे हैं, लेकिन कल रामानुजाचार्य जो यहाँ गति जी शरीर छोड़ रहे, हमें भी छोड़ना है, इसलिए सब आचार्यों को भक्तों को हम याद कर रहे हैं। यमुनाचार्य उसके गुरु थे रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे गुरु के चरण मैं देखते हुए मेरा शरीर छोड़। अब यमुनाचार्य रह नहीं थे लेकिन उसकी प्रिंट थी, चरणों की प्रिंट फोटो, और वो रखी गई सामने। देखो कितना गुरु प्रेम, गुरु शरणागति, हम गाते वंदे गुरु शरणारविंद, लेकिन इसने सफल कर दिया और शरीर में समाधि लगा के बैठे, ऐसे बैठे पद्मासन रामानुजाचार्य, और गुरु के चरणों में मन चित्त वृत्ति लगाते हुए ऐसे ही बैठे भक्तों। 1000 साल हो गया रामानुजाचार्य, कितना माधव से पहले हुए है रामानुज, 1000 साल जो बैठे हैं वही मूर्ति बैठी आज भी है श्रीरंगम में। उसके शरीर को न समाधि दी गई न जलाया गया, उसके ऊपर लेपन होता गया, लेपन होता गया, होता गया विग्रह मूर्ति रूप में हो गई वही शिव, ऐसे ही बैठे। आप कभी श्रीरंगम जाओ उसके बाद रामानुजाचार्य का वही समाधि मंदिर, वही दर्शन, जैसे गए थे 1000 साल पहले ऐसे ही है। श्रीपाद रामानुजाचार्य की शरीर छोड़ने की एक कला है, यहां पर भागवत आर्ट ऑफ डेथ चल रहा है, कैसे मृत्यु को महोत्सव बनाया जाए। गुरु के चरण, ऐसे ही हरिदास ठाकुर क्या चाहते थे, देखते हुए नहीं, वो एक कदम आगे, मैं छाती पे रखो